चुनाव आयोग नेताओं को सख्त हिदायत दे रहा है कि वो मर्यादा में रहकर बयान दें, तुष्टिकरण की राजनीति ना करें, लेकिन नेता हैं कि मानते ही नहीं। खासतौर पर बीजेपी के नेता चुनाव आयोग की नाफरमानी करने में सबसे आगे हैं। अब बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड गिरिराज सिंह को ही देख लीजिए, जिन्होंने खुलेआम मुस्लिमों को धमकी दी है। इसे लेकर अब सूबे का सियासी पारा भी गर्मा गया है। चुनावी मौसम में पहले ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है कि वहीं नेताओं की बयानबाजी ने भी सूबे की राजनीति में भूचाल ला रखा है। पिछले दिनों आरजेडी नेता और दरभंगा से उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कथित तौर पर कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ऐसे भड़के कि पूरे मुस्लिम समुदाय को ही धमकी दे डाली। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो तीन हाथ का जगह भी चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल गिरिराज सिंह बेगूसराय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी का जिक्र कर ये विवादित बयान दे डाला। आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन करके विष बबन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो तीन हाथ का जगह भी चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर अब सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बयान को लेकर अब सीधा सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नीतीश कुमार की तथाकथित गांधीगिरी की ऐसी की तैसी करता विश्राज सिंह, नीतीश कुमार इसका हाथ पकड़े झोली फैला वोट मांग रहे हैं, कहां गई नीतीश कुमार की अंतरात्मा, खबरदार चाचा आगे से बापू गांधी का नाम लिया तो शर्म तो नहीं आ रही होगी। तो गिरिराज सिंह के इस बयान से उठा तूफान अब कब थमता है ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।